तरवर से पत्ता टूट गए वो बोहर न लगता डरे मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर पांच पैर धंधे गया और तीन पैर रया सोए, एक पैर हरि नहीं भजो मुक्ति कहां से होए। आठ पैर होते हैं एक दिन रात के अंदर 24 घंटे, एक पैर 3 घंटे का होता है। तो परमात्मा बताते हैं कि पांच पहर धंधे गया यानी 15 घंटे तो धंधे में खोता है ये प्राणी, और तीन पैर गया 9 घंटे सोने में बर्बाद कर देता है। और फिर कहते हैं एक पैर हरि ना भजो, तो मुक्ति कहां से हो। एक पैर में 3 घंटे, अब 24 घंटे में तो परमात्मा ने हमें 3 घंटे तो कम से कम भगवान की भक्ति करने का आदेश दिया है। धूमधाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरी ना भजा तेरी जननी जन भई बांझो। रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है ये कौड़ी बदले जाए। आजकल के 5 दिन तेरा जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरे फिर ढोर चुरेंगे घास। आड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे ये छाड़ बस्ती गाम। कबीर आड़ जले लकड़ी जले ये जले जलावन हारे, ये देखन आले भी जले भाई किस से करूं पुकार। परमात्मा कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है प्राणी की, शरीर छूट जाता है, देहांत हो जाता है, तो उसको अंतिम संस्कार करते हैं, तो सभा करते हैं, जलाते हैं लकड़ियों में। तो परमात्मा कहते हैं वो आड़ जले उस मुर्दे के और लकड़ी जले, और एक दिन जो जलाने गए थे उनको अंतिम संस्कार करने गए हैं वह भी जलेंगे उड़े उसी में, उसमें वो भी जलेंगे। कबीर साहब कहते हैं हार्ड जलें लकड़ी जलें और जलें जलाने हार, और देखण आले भी जलें, अब किस तरह करूं पुकार है। जो इस दुख से हमें बचा दे, जन्म और मृत्यु के दुख से जो ऐसा बचा दे वो कोई भी ना दिखता। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ना कर हम निकम्मी आत्माओं पर एक विशेष उपकार किया है कि उन्होंने हमें इस जन्म मृत्यु के रोग की एक औषधि दे दी, और जो उस औखद को खावे, कहते औखद खावे पत्थर है, पथ यानी दवाई, परमात्मा की भक्ति करे और मर्यादा में रहे, पथ रहे यानी
परहेज रखे ताकि मुक्ति होए। तो उस परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर एक विशेष कृपा की है कि हमें आकर के समझाया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हें दो शरीर मिला है, ये तुम्हारे साथ एक धोखा है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है। अब पुण्यात्मा ये हमने कितना अच्छा शरीर दिखा है, सबसे प्रिय शरीर होता है। आदमी रोगी हो जाता है व्यक्ति, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यदि उसने मकान भी बेचना पड़ जा, गाड़ी भी बेचनी पड़ जा, वो भी बेच देता है, ये कितना प्रिय लगता है। और ये है क्या, इसके अंदर देख है जो जरा सा की तत् छुल जा, इसमें देख है सिर्फ ऊपर ऊपर एक कलर कर रखा है, अंदर के इसमें आड मांस रक्त टट्टी पेशाब बलगम थूक यो सारा कबाड़ इसके अंदर भर के और ऊपर के पेंट कर दिया, चाम चाम लपेट दिया। और जब इसकी मृत्यु हो, शरीर छूट जाता है, इसको फूंक देते हैं, इसका नामो निशान भी नहीं रहता। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि प्रथम तो तू शरीर को अपना मानता है और दूसरे फिर इस संपत्ति और संतान को। तो परमेश्वर कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों न खो। कबीर झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है ज्यो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी ही पात थे वो पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां पड़ेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर देव जी, हम काल के जाल में भ्रमित अपनी प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी आत्मा हैं, और अपने पिता को ही अपनी माता को ही अपनी संतान की चिंता होती है। अब परमेश्वर कबीर देव जी हम सबके कुल के मालिक हैं, और हमने सतलोक में एक गलती की थी, उस गलती के परिणाम स्वरूप हम परमात्मा के लोक से यहाँ आकर गिर गए, इस गंदे लोक में, काल के लोक में, जहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है और किए हुए कर्म का फल दंड उसको अवश्य प्राप्त होता है। और इस पृथ्वी पर पाप तो बिना किए, अपराध तो बिना किए बन जाते हैं, और पुण्य करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाना पड़ता है, उसमें धन भी लगाना पड़ता है, समय भी लगता है, तब जाकर के कुछ पुण्य होते हैं। जैसे खेत में, किसान के खेत में घास फूस अड़ंगा जो किसी काम का को नहीं,
वो तो अपने आप उग जाता है और ऐसा भर जाता है खेत जो फंस जाते हैं झाड़ बोझड़े कैर कीकर, तो उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, वो अप भर गया डंगे थे। और यदि उसमें कोई कणक बीजनी पड़े, गेहूं बीजना पड़े, गेहूं प्राप्त करने के लिए पहले 5-6 भर तो उसको हल से जोतना पड़ेगा, बाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा और फिर उसके अंदर बीज जब बावे संवारे उसमें टाइम लगे और पैसे लगे, फिर उसमें बीज डाले उसमें पैसे लगे, फिर खाद डाले उसमें पैसे लगे, धन लगे, और सिंचाई करे उसमें धन लगे, और शारीरिक प्रयत्न मेहनत मजदूरी अलग से लगे, और तब जा करके कुछ वो वस्तु चाहिए थी जो हमें हमारा जीवन दाता अन्न हमें प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में पाप तो अपने आप हो जाते हैं, मन में सोच सोच कर भी जो पाप इकट्ठे कर लेता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी को कुछ नज़र से देखता है, और फिर पृथ्वी ऊपर पगजो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे पृथ्वी पर, क्योंकि काम करे बिना रह नहीं सकता, शरीर ही सा दे दिया इसमें कि मैं डालेंगे ईंधन तो ये चलेगा, नहीं तो ये चले नहीं, तो उस टुकड़े के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करनी पड़े तो पाप भी होंगे। जैसे मजदूर है कस्सी से खोदेगा, नरे कीड़े मकोड़े की हत्या हो जाती है, किसान है हल बाता है, एक अड़ाई में एक अड़ाई 20 फुट बाई 200 फुट ला लो, उसमें 1000 कसाईयों जितना पाप आड़ी को लग जाता है, एक अलाई और सेंस कसाई 1000 कसाईयों जितना पाप उसको लगता है। तो वो आड़ी के मजदूर के बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पापों वाले संचित कर्मों में लिख दिए जाते हैं, और पुण्य पुण्य करने से बनते हैं। जैसे आप पोचा मारते हैं, जैसे खाना बनाते हैं चूल्हा लीपते हैं, आसपास का स्थान भी लीपया करते हैं, अब उसमें पोचा मार देते हैं, सब कह सीमेंटेड फर्श फ्लोर हो गए, पोचा मारे फिनाइल मारे, तो उसमें ना जाने कितने जीव मरते हैं। स्नान करें उसमें रोटी बनावा उसमें जीव मरे, जल के अंदर जीव स्नान करें तो जोड़ तालाब में जैसे पहले ज्यादा स्नान कराया करते उसमें जीव मरे, और खाना बनाओ उसमें जीव मरे, खाओ उसमें जीव मरे, श्वास लिया उसमें जीव मरे। तो ये पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य करने पड़ेंगे। जैसे आप जी कर रहे हो, समय भी निकालते हो, धन भी व्यय कर रहे हो, और सुमरण भी कर रहे हो, स्मरण भी कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो, तो इस तरह तो पुण्य बने, और पाप बने बिना बनाए अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। अपुण्यात्मा जब तक हम पूर्ण परमेश्वर पाप नाशक कबीर देव जी की भक्ति साधना परम संपूर्ण संत से लेकर नहीं करते, अन्य जो हम जाप करते हैं, अन्य आन उपासना में जो मंत्र जाप करते हैं या कोई भी करते हैं साधना करते हैं, उससे पाप नाश नहीं होते। यदि ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से भी करते हैं उससे भी पाप नाश नहीं होते, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात पुण्य अलग से लिखे जाते हैं पाप अलग से। पुण्यात्माओं जैसे हम प्रतिदिन कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो इनको रोजाना मैल लगता है, स्वाभाविक है अवश्य मैल लगेगा, और उनको धो ले साबुन हो पानी हो जल हो सब